हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए, हिंदी साहित्यता चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पाठ गीता मंथन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए पहला श्लोक शुरू करते हैं। पहला श्लोक है आपका, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेशम विशीदंतम इदम वाच्यम उवाच मधुसूदन। तम माने उनको, तम अर्थात उनको, किसको? अर्जुन को। तथा तथा का अर्थ होता है इस प्रकार से, कृपयाविष्टम कृपा पूर्ण भाव से बैठे हुए, इसका अर्थ होगा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण अर्थात आंखों में आंसुओं को भरे हुए, अश्रुपूर्ण आकुले, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल, आकुले देखिए आकुल धन इच्छणम, आकुल धन इच्छणम, इच्छनीय होता है आंखें अर्थात आंखों में आंसुओं को भरे हुए व्याकुल बैठे हुए अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, क्या कहने लगे? तम अर्थात उनको, तथा इस प्रकार से कृपयाविष्टम कृपा पूर्ण दृष्टि से बैठे हुए अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम आंखों में आंसुओं को भरे हुए, अर्थात अर्जुन को इस प्रकार आंखों में आंसुओं को भरे हुए बैठे देखकर विशीदंतम इदम इस प्रकार से दुखी देखकर वाक्यम वाच वाक्य बोले मधुसूदन श्री कृष्ण जी, अर्थात अर्जुन को इस प्रकार से दुखी बैठे हुए देखकर श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये वाक्य बोले, क्या बोले? क्लैब्यम मा शमगमः, क्लैब्यम मीन्स होता है कायरता को, शमगमः मत प्राप्त करो, क्लैब्यम मा शमगमः कायरता को मत प्राप्त करो, पार्थ हे पार्थ तुम कायरता को मत प्राप्त करो, अर्थात तुम कायर मत बनो, न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् ये आपका विच्छेद करेंगे, न धन एतत् धन त्वयि धन उपपद्यते, ये आपका है न एतत् त्वयि पद्यते, तो न माने नहीं, एतत् माने यह, त्वयि माने तुमको, उपपद्यते माने सुशोभित होता है, हे पार्थ तुम कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। आगे क्या कहा? क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, छोटी सी जो तुम्हारे हृदय में दुर्बलता व्याप्त है, तुम्हारे हृदय में जो दौर्बल्य व्याप्त है उसको त्याग करके, त्यक्तोतिष्ठा त्यक्त धन उतिष्ठा बराबर त्यक्तोतिष्ठा, गुड़ स्वर संधि का उदाहरण है आपका, त्यक्तोतिष्ठा परमतपः, उसको छोड़ करके हे परमतप अर्थात हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन उठ जाओ, पुराण समझते हैं, हे पार्थ तुम कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आइए तीसरा श्लोक है आपका, अशोच्यान अशोच्यस्व प्रज्ञावादांश चाभासे गतासूनागतासून चा नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यान, अशोच्यान जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, शोच्यान माने शोक करने वाली वस्तुएं, अशोच्यान शोक ना करने वाली वस्तुएं, अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, शोचस्वत्वम त्वम, तुम सोचस्व सोच करते हो, चिंता करते हो, जिनके विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए उनके विषय में तुम चिंता करते हो, और प्रज्ञावादांश चाभासे अपने आप को विद्वान मानते हो, अपने आप को प्रज्ञावान मानते हो। आगे क्या कहा? गतासून आगतासून चा, गतासून जो जाने वाली हैं, आगतासून चा और जो आने वाली हैं, इनके विषय में नान सोचन्ति पंडिता, जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो इनके विषय में कभी शोक नहीं करते हैं, कभी चिंतन नहीं करते हैं, कभी दुख नहीं करते हैं। आइए चौथा श्लोक है आपका, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, देहिनो अस्मिन् अर्थात इस शरीर में, देहिनो देहिनो माने शरीर में, यथा जैसे, देही देही माने आत्मा, कौमारम कौमारा अवस्था अर्थात बाल्यावस्था को, यौवनम जरा युवावस्था को, और जरा वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, अर्थात इस शरीर में जैसे आत्मा बाल्यावस्था कौमार्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था को
प्राप्त होती है तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से वह मृत्यु को भी प्राप्त करती है। तो धीरा प्राप्तिर धीरा तत्र नामुह्यति, तो इसी प्रकार से आत्मा मृत्यु को भी प्राप्त करती है। धैर्यशाली लोग यहाँ पर मोह नहीं करते हैं, अर्थात इस शरीर में जैसे आत्मा कौमार्यावस्था को, यौवनावस्था को और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु को भी प्राप्त करती है। इसके विषय में धैर्यशाली लोग खेद नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, मोहित नहीं होते हैं, ना मोहित मोह नहीं करते हैं। आइए पांचवा श्लोक है आपका, यम एनम वेत्ति, यम माने जो, एनम माने यह, वेत्ति मीन्स जानते हैं, जो यह जानते हैं कि हंतारम मार दी जाती है, कौन, आत्मा, जो यह मानते हैं या जो यह जानते हैं कि यह मर जाती है। यश्च एनम, यश्च एनम, देखिए यह धन च धन एनम, ये हो जाता है आपका यश्च एनम, यश्च एनम, यहाँ पर वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। तो जो यह सोचते हैं कि यह मार दी जाती है, यश्च एनम मन्यते हतम, अथवा जो लोग यह मानते हैं कि यह मर जाती है, अर्थात जो लोग सोचते हैं कि आत्मा मार दी जाती है, या जो लोग यह सोचते हैं कि यह आत्मा मर जाती है, उभौ तौ, उभ माने दोनों, तौ माने वे दोनों, ना विजानी तो, वो दोनों यह नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, ना अयम हंति, ना तो इसको मारा जा सकता है, अर्थात ना तो यह मरती है, ना हन्यते और ना ही मारी जा सकती है, कौन, आत्मा। आइए छठा श्लोक देखते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो वप्राणि न्यायानि तथा शरीराणि यथा विहाय, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, वासांस मीन्स कपड़ों को, जीर्णानि माने पुराने, यथा यथा जैसे, विहाय माने छोड़ करके, नवान ग्रहणाति नरो अप्राणि, नरो मीन्स व्यक्ति, अप्राणि माने दूसरे, ग्रहणात माने ग्रहण करता है, नवान माने नए, अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार से तथा तथा अर्थात उसी प्रकार से शरीराणि विहाय, शरीरों को छोड़कर जीवानि जीर्ण शीर्ण, उसी प्रकार जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नवानि नवीन शरीर को संयान्ति चली जाती है देही आत्मा, अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है, अर्थात दूसरे शरीर में चली जाती है। आगे श्री कृष्ण जी सातवें श्लोक में क्या कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, आत्मा के विषय में कहा है कि ना धन एनम, दो शब्दों से मिला हुआ है आपका नयनम, ना धन एनम बराबर आपका हो जाता है नयनम, तो ये आपका वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। तो ना तो इसको छिंदन्ति माने काट सकते हैं या छेद सकते हैं, शस्त्राणि माने शस्त्र, ना तो इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, नयनम दहत पाव कहा, और ना ही अग्नि इसको जला सकती है, आगे ध्यान देंगे, और ना ही इसको ताप के द्वारा सुखाया जा सकता है, ना शोषयति मारुतः, और ना ही इसको वायु सोख सकती है, वायु सुखा सकती है। आगे आते हैं आठवां श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि, जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की ही माने निश्चित, ध्रुव ध्रुव माने ध्रुव है अर्थात अटल है शाश्वत है, मृत्यु मृत्यु जन्म लेने वाले की मृत्यु शाश्वत है अर्थात नित्य है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर रहा है उसका जन्म भी निश्चित है, तस्माद अपरिहार्य अर्थे, तस्माद माने तो, अपरिहार्य अर्थे इस अनिवार्य
अर्थे कार्य में न तुम सोचि तुम अर्हसि। हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, न माने नहीं तो माने तुमको सोचि तुम शोक अर्हसि करना चाहिए। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले का मृत्यु ध्रुव है और जो मरा हुआ है उसका जन्म ध्रुव है, अर्थात अटल है, निश्चित है। इसलिए इस अनिवार्य अपरिहार्य अर्थ में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आगे नवम श्लोक है, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं अपावर्तं सुखिनः क्षत्रियः पार्थाः लभन्ते युद्धं युयदर्शम्। यदृच्छया, जिसको इच्छा पूर्वक करने से, च उपपन्नं, खुल जाते हैं, स्वर्गद्वारं अपावर्तं, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग के द्वार, अपावर्तं, अपने आप खुले हुए, अर्थात स्वतः खुल जाते हैं। जिस युद्ध को स्वेच्छा से करने से स्वर्ग के द्वार स्वतः खुले हुए मिलते हैं या स्वतः खुल जाते हैं, तो सुखिना क्षत्रिया पार्थ, हे पार्थ, वो क्षत्रिय सौभाग्यशाली हैं, वे क्षत्रिय सुखनी सुखकारी हैं, सौभाग्यशाली हैं। कौन? लभन्ते युद्धम ईदृशम, जो ऐसे युद्ध का लाभ लेते हैं। अगला अंतिम श्लोक है आपका, हतो वा प्रापश्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद् उतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्रापश्यसि स्वर्गम, मारे जाओगे, हतो हत माने मारे जाओगे, वा प्रापश्यसि स्वर्गम, यदि इस युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्षसे महीम, अथवा युद्ध को जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद्, इसलिए, उतिष्ठ, उठो, कौन्ते अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, और युद्ध के लिए निश्चय करो। तो आइए एक बार पूरे गीता मृतंग का सारांश आप सुन लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो तम तथा से शुरू करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आंखों में आंसू धारण किए हुए व्याकुल बैठे हुए देखकर दुखी मन से अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने ये वाक्य कहे। दूसरा है, हे पार्थ, तुम कायरता को मत प्राप्त करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठ जाओ, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जिन वस्तुओं के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, हे अर्जुन, तुम उन विषयों में शोक करते हो, दुख करते हो और अपने आप को विद्वान मानते हो। हे अर्जुन, विद्वान पुरुष जाने वाले के विषय में और आने वाले के विषय में कभी शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा कौमार्यावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार मृत्यु को भी प्राप्त करती है। इस संदर्भ में धैर्यशाली पुरुष कभी मोह नहीं करते हैं। जो यह मानते हैं कि यह आत्मा मार दी जाती है, अथवा जो यह मानते हैं कि यह आत्मा मर जाती है, वे दोनों यह नहीं जानते हैं कि न तो इसे मारा जा सकता है और न ही यह आत्मा मरती है। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है। न तो इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं और न ही इस आत्मा को अग्नि में जलाया जा सकता है, न तो इस आत्मा को ताप के द्वारा सुखाया जा सकता है और न ही इसे वायु सोख सकती है। जिस प्रकार से जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए इस अपरिहार्य कारणों के विषय में, अपरिहार्य अर्थ के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जिसको स्वेच्छा से करने से स्वर्ग के द्वार स्वतः ही खुले हुए प्राप्त करते हैं, ऐसे युद्ध को करने के लिए सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध का लाभ ले सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। यदि इस युद्ध में तुम मारे गए
तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे कौंतेय अर्थात हे अर्जुन उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में।